गुना जिले के चाचौड़ा तहसील के ग्राम काला पहाड़ में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। विवाह सम्मेलन में ग्रामीण क्षेत्र के 16 जोड़ों ने अपना पंजीयन कराया था। दिन में तापमान अधिक होने से गर्मी के कारण कार्यक्रम का आयोजन रात में रखा गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना बल्लू चौहान के गाँव काला पहाड़ में इस सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमे अध्यक्ष और उनके पति ने विवाह सम्मेलन में आए हुए वर वधु को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। चाचौड़ा से अमित चौरसिया की रिपोर्ट। इसमें ये मध्य प्रदेश शासन की योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के अंतर्गत यहाँ आज सम्मेलन रखा हुआ है काला पहाड़ में, और यहाँ पे 16 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और जिसमें कि चूँकि गर्मी बहुत है इसलिए शाम का टाइम रखा गया था और सभी जोड़े आ रहे हैं और बढ़िया ये भोजन का कार्यक्रम भी चल रहा है सभी का जो जोड़ों के साथ आए हैं, और इसके थोड़ा सा मनोरंजन के लिए एक कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी भी जैसी बुलवाई गई है, और बढ़िया आप देख रहे हैं सब जगह कार्यक्रम चल रहा है और शांति से बढ़िया चल रहा है। तो मुख्यमंत्री जी की ये महत्वाकांक्षी योजना है, तो इस योजना का कन्या को और वर वधु दोनों को बहुत ही अच्छा लाभ मिले और उनकी इस सामूहिक सम्मेलन में सबकी एक साथ शादी हो, तो इससे समय की और पैसे की सभी की बचत होती है। इस तो आयोजन में कितने जोड़े शामिल हुए हैं, कितने लोगों को पंजीयन हुआ है? इस आयोजन में करीब 16 जोड़े का आयोजन हुआ है और यहाँ पर कालापाड़ में सभी लोग पधारे हैं, बहुत बड़ी संख्या में सभी लोग आए हैं। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत सम्मान करती हूँ और वर और वधु को अपनी तरफ से बहुत आशीर्वाद प्रदान करती हूँ कि वो अपने इस परिणय सूत्र में बंध कर अपना जीवन सुख में व्यतीत करें, और इस मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सम्मेलन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि एक हर कन्या के खाते में ये पैसे जाएंगे, तो इसमें कोई अधिकारी कोई कर्मचारी या कोई भी नहीं खा सकता इन पैसों को, डायरेक्ट कन्या के खाते में जाएंगे, किसी का इसमें कोई वो नहीं है। और उस पैसों को लेकर जब बेटी अपने ससुराल जाती है तो उसको ये बहुत बड़ी राशि होती है कि छोटी छोटी जो गरीब कन्याएं होती हैं उनके माता पिता उनकी शादी करने में असमर्थ रहते हैं, तो ऐसे अगर सामूहिक विवाह सम्मेलन में हम सभी लोग मिलजुल कर अगर ऐसा काम करते रहें तो हमारी उन कन्याओं का और हमारे उन माता पिता का सबका ही भला हो सकता है और समय और पैसे सबकी बचत हो सकती है।